नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर में भी लोकसभा चुनाव के नतीजे ने तमाम पूर्वानुमानों को फेल कर दिए हैं। इलाके के 8 राज्यों की 25 में से भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। वर्ष 2014 में 14 सीटें थी। इस बार नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर इलाके में बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा और विरोध की वजह से भाजपा की सीटें घटने का अंदेशा था। इसके उलट उसकी सीटें बढ़ गई। खासकर इलाके के सबसे बड़े राज्य असम में चुनावी नतीजे से भाजपा और उसके सहयोगी दलों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल फ्रंट बीपीएफ के बीच समीकरण भी बदलने का अंदेशा है। असम की 14 सीटों में से भाजपा ने वर्ष 2014 में 7 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटें हासिल कर ली है। उसने 3 सीटें अगप और 1 सीटें बीपीएफ के लिए छोड़ी थी, लेकिन उनका खाता तक नहीं खुल सका। राज्य में 3 सीटें कांग्रेस को मिली है और 1 सीट इत्र कारोबारी बद्रुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF को। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से अब अगले महीने राज्य की 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अगप की दावेदारी लगभग खत्म हो गई है। यूं तो भाजपा पहले से ही इन दोनों सीटों पर खुद लड़ने का इरादा बना रही थी, लेकिन अगप के 3 सीटों पर जीत की स्थिति में पहले से हुए समझौते के मुताबिक 1 सीटें देने पड़ती। भाजपा ने त्रिपुरा और अरुणाचल की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया है। मिजोरम में इकलौती सीट उसके सहयोगी MNF ने जीती है और नागालैंड में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता विधेयक के विरोध को देखते हुए भाजपा की सीटें घटने का अनुमान लगाया जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषक धीरेन डेका कहते हैं कि नागरिकता विधेयक के विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल की तर्ज पर पूर्वोत्तर में भी भाजपा के पक्ष में वोटरों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। उनका कहना है कि अब अपने इस प्रदर्शन के दम पर भाजपा इलाके के सहयोगी दलों को काबू में रख सकती है। इसका असर असम में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ना लाजमी है और उस समय पार्टी के और मजबूत होकर उभरने की संभावना है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर अगप ने कड़ा रुख अपनाया था और राज्य सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगप ने अपना स्टैंड बदला और भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। भाजपा को इसका लाभ तो दिख रहा है, लेकिन अगप अपनी 3 सीटें हार गई है। अब देखना होगा कि अगप का राज्यसभा के चुनाव में क्या स्टैंड होता है, क्योंकि यहां राज्यसभा की 2 सीटें के लिए जल्द ही चुनाव हैं। अगप का विधानसभा में 14 विधायक हैं जो दूसरा उम्मीदवार को जिताने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। धन्यवाद। Thank you.